पर कर्म तो कोई ना कोई फल तो तुम्हें मिलता है, बिना कर्म के कोई फल मिल नहीं सकता। आतंकवादी ने भी मारा है, चाहे तुम एक्सीडेंट से मरे हो, चाहे तुम्हें दीवार की ठोकर लगी है, चाहे तुम्हें जाते समय चौखट लगी है, चाहे जाते समय कांटा लगा है, नियम से तुम्हारा किया हुआ कर्म तो है ही। अब तुमने कहा कि चौखट में लगे, चौखट का हमने क्या बिगाड़ा होगा? चौखट का तो नहीं बिगाड़ा था, जिसका बिगाड़ा था वो वहां था नहीं और तुम्हारे कर्म का उदय आ गया। जिसका तुमने सिर फोड़ा था वो वहां है नहीं, मोक्ष चला गया या नरक में है, और तुम्हारे कर्म का उदय आया। तो कर्म कहता है कि तुम्हारा सिर तो फूटेगा चाहे वो रहे या न रहे, तो जाके चौखट से निकल रहे थे, एकदम चौखट लगी, सिर फूट गया, तुम्हें तो कर्म का फल मिल गया। अब जिसका तुमने फोड़ा था उसके द्वारा नहीं फूटा तुम्हारा, लेकिन चौखट ने फोड़ दिया, दंड मिलना था तो दंड मिल गया। इस प्रकार कर्म का फल तो होता ही है, बिना कर्म के कोई भी दुख आ ही नहीं सकता।